हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर में। आज विराम चिन्ह का पार्ट टू हम करने जा रहे हैं। चलिए, अपूर्ण विराम क्या है? अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम का मतलब है जहाँ समानाधिकरण वाक्यों के बीच में जब कोई ऐसा संयोजक चिन्ह हो, है ना, या फिर जब किसी भी वाक्य को हमें अलग से दिखाना हो या किसी कथन को हमें अलग से दिखाना होता है, तब हम उसके बाद क्या लगाते हैं? हम उसके बाद हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य, यानी हमको यहाँ पर किसको शो करना है? इसे शो करना है, परमाणु विस्फोट को। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या चिन्ह लगाएंगे? इसके बाद हम अपूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक और एग्जाम्पल है, प्रदूषण एक अभिशाप, यानी प्रदूषण क्या है? एक अभिशाप है। तो किस पर जोर देकर हम बात कर रहे हैं? हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो प्रदूषण के बाद हमने क्या लगाया? अपूर्ण विराम लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? विज्ञान की बात हो रही है। ये भी एक उपवाक्य है, ये भी एक उपवाक्य है, और दोनों उपवाक्यों के समान अधिकार हैं, है ना, यानी दोनों उपवाक्य जो हैं वो समान अधिकार रखते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। तो जब हमें ऐसे उपवाक्यों में जहाँ समान अधिकार रखते हों, या किसी वाक्य को बहुत ज़्यादा दिखाना है, किसी कथन को हमें बहुत ज़्यादा दिखाना है, तब हम उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं? उसके बाद हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी सेंटेंस सिंपल लिखा हुआ हो, वो किसी भी प्रकार का वाक्य हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है, जब भी वो वाक्य खत्म होगा तो उसकी समाप्ति पर हम क्या लगाएंगे? उसकी समाप्ति पर हम ये चिन्ह लगाएंगे, और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। दूसरा पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऐसे प्रश्नवाचक शब्द या ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पर प्रश्नवाचक कैसा हो? अप्रत्यक्ष हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कल कहाँ जा रहा है। भाई कहाँ जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य कैसा है? अप्रत्यक्ष है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या हम बता रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे वाक्यों के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे कह रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है ना। तो ये जो शब्द हो गया, ये तो हो गया हमारा प्रश्नवाचक, लेकिन कैसा निशान क्या लगाएंगे पीछे? यहां पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे जहां पर अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य हैं, वहां पर अंत में क्या लगता है? वहां पर भी अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जब भी हम कोई दोहा लिखते हैं, सोरठा लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं, तो इनके चरणों के अंत में भी हम क्या प्रयोग करते हैं? इनके चरणों के अंत में भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, फिर विराम लगा दिया। उसके बाद दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए, और उसके बाद भी हम क्या लगाएंगे? विराम का प्रश्न निशान लगाएंगे, ठीक है। अब जब हम लोग इंग्लिश या मराठी बोलते हैं तो वहाँ पर भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर विराम चिन्ह इस प्रकार का प्रयोग ना करके एक बिंदी की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, माय नेम इज एक्स वाई जेड, अब उसके बाद मैं ये वाला विराम चिन्ह नहीं लगाऊंगी, मैं कौन सा विराम चिन्ह लगाऊंगी? यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो ये तो हमारे इंग्लिश और मराठी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, लेकिन जो हिंदी की प्रकृति होती है ना, हिंदी की प्रकृति और उसकी खड़ी पाई के अनुसार जो विराम चिन्ह लगेगा, उसका रूप कैसा होना चाहिए? उसका रूप यही होना चाहिए, यानी हमारी जो हिंदी में विराम चिन्ह लगता है वो इसी प्रकार का लगता है, हम और कोई दूसरा विराम चिन्ह प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होते हैं? सभी को पता है, जब भी किसी से साधारण प्रश्न पूछा जाता है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, कब आओगे, कल कहाँ जाओगे, तो
इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो उनके अंत में क्या लगाते हैं? उनके अंत में इस प्रकार का एक चिन्ह लगाते हैं जिसको कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, जैसे तुम कहाँ रहते हो तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया। फिर बोलेंगे उसकी पुस्तक किसने ली, भाई पूछा जा रहा है ना यहाँ पर भी, तो क्या लगाएंगे लास्ट में? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। राम घर पर आया या नहीं, ये भी पूछा ही जा रहा है। जहाँ पर भी किसी भी प्रकार से पूछा जाए या सूचना प्राप्त की जाए किसी भी प्रकार से पूछकर, वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं? वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य लिखे हों, ठीक है, तो क्या करेंगे? क्या हर प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे? नहीं। तब हम क्या करेंगे, जितने प्रश्नवाचक उपवाक्य वाक्य में पूछे गए हैं उनके बाद क्या लगाएंगे? अल्पविराम लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह जो लगेगा जब पूरा वाक्य खत्म हो जाएगा उसके अंत में लगेगा। जैसे गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, तो भाई यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर कहाँ था, यहाँ पर कहाँ था, एक ही वाक्य में कितनी बार प्रश्न पूछे गए? तीन बार प्रश्न पूछे गए, तो तीनों बार प्रश्न पूछने पर हमने क्या लगाया? बीच में अल्पविराम लगाया। ठीक है, और उसके बाद जब हमारा वाक्य खत्म हो गया तब हमने लास्ट में क्या लगा दिया? एक प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संबोधक चिन्ह। संबोधक का क्या मतलब होता है? संबोधक का मतलब होता है जब किसी को बुलाया जाए, किसी को पुकारा जाए या किसी को इशारा किया जाए, तो वो वाले जो चिन्ह होते हैं वो संबोधक चिन्ह होते हैं। संबोधक चिन्ह और दूसरा चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह। तो संबोधक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह एक ही प्रकार से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें इतना होता है, संबोधक मतलब किसी को बुलाया जाना या पुकारा जाना। जैसे यहाँ पर भगवान से बोला जा रहा है कि हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम ही पार लगाओगे। ठीक है, या फिर किसी को बुलाते हैं हम, मोहन इधर आओ या सुषमा उधर बैठ जाओ, है ना, इस तरीके से जब किसी को संबोधन करके बात बोली जाती है, किसी को ज़्यादा ध्यान में रखकर जब कोई बात बोली जाती है तब वहाँ पर क्या लगाते हैं? संबोधक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक क्या है? जब हमें खुशी होती है, जब हमें बहुत दुख होता है, किसी चीज़ से बहुत घिन आती है, डर लगता है, या फिर किसी चीज़ को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब जब हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? उन चिन्हों को हम विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे हम बहुत खुश हो गए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? आहा, और ये वाला चिन्ह लगाएंगे, आज तो मज़ा आ गया, है ना, ऐसे लिखेंगे ना, तो ये कौन सा चिन्ह हो गया? विस्मय सूचक चिन्ह हो गया। बहुत खुश होने पर, बहुत दुख होने पर क्या लिख सकते हैं? ओफो या ओहो, ये वाला चिन्ह लगाएंगे, तुम्हारे पैर में चोट लग गई, है ना, तो कौन सा चिन्ह लगाया हमने? विस्मय सूचक चिन्ह लगाया। ऐसे ही यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, देख लेते हैं। वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, तो वाह से बाद क्या लगाएंगे हम? विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। उसी तरीके से जब दुख हुआ तो हाय अब मैं क्या करूं, यहाँ पर देखिए, जब हमें किसी को देखकर कुछ आश्चर्य हुआ तो हम क्या करेंगे? अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, यानी हमें यकीन नहीं था कि वो पास भी हो जाएगा और वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया, तो क्या हुआ हमें एकदम से आश्चर्य हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? अरे, और विस्मय सूचक चिन्ह लगाने के बाद बोलेंगे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो समझ में आया आपको विस्मय सूचक और संबोधक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह क्या होते हैं? अवतरण चिन्ह हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें
शब्दों को कैसे लिखना होता है जो किसी ने बोले हैं, यानी किसी का कथन है, और उन कथनों को जब हमें एज इट इज लिखना है, जैसे उन्होंने बोला है वैसा का वैसा ही जब हमें लिखना है, तब हम क्या लगा देते हैं, उन कथनों के दोनों तरफ एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं अवतरण चिन्ह। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया कथन है, जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही हमने लिखा है, तो हमने क्या लगाया इसके दोनों तरफ, हमने इसके दोनों तरफ अवतरण चिन्ह लगा दिया। उसी प्रकार महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे ही कहा था महात्मा गांधी ने, है ना, यही शब्द थे उनके कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जब हम इस सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे तो उसमें हम किस में लिखेंगे उसको, हम अवतरण चिन्ह के बीच में लिखेंगे, यानी उसके दोनों तरफ हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अवतरण चिन्ह होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इकहरा, यानी सिंगल भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, दूसरा होता है दोहरा यानी डबल, जो हमने अभी वाक्य को लिखने से पहले और वाक्य को लिखने के बाद लगाया था। अब इनमें थोड़ा सा फर्क क्या होता है, इकरा कहाँ लगाते हैं, जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र या पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक, ये सब जब हम लिखते हैं तब हम इकरा लगा देते हैं। ठीक है, यानी सिंगल वाला उद्धरण चिन्ह लगा, अवतरण चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट, जब हम किसी कथन को कहते हैं, यानी किसी के द्वारा बोले गए कथन को जैसे का तैसा लिखते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, तब हम वहाँ पर दोहरा लगा देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कहाँ पर हम सिंगल अवतरण चिन्ह प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम दोहरा अवतरण चिन्ह प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लगा, मेरे द्वारा बताए गए विराम चिन्ह समझ में आए, अगर समझ में आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे। इसकी अगली वीडियो हम लेकर आएंगे जो इससे आगे के विराम चिन्ह है, तब तक के लिए धन्यवाद।